हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? मैं हूं अंजुम और आप देख रहे हैं ग्राफिक ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं फायर एनिमेशन कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही आसान है, तो चलें स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। इससे पहले कि मैं ट्यूटोरियल स्टार्ट कर दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एक फाइल बना लेते हैं, न्यू करते हैं। ये देखें हमारे पास एक, यहाँ से जो साइज है कोई भी आप साइज इसका रख सकते हैं। मेरे पास जो है 1280 है और 720 है, इसको ओके किया। मेरे पास जो है फाइल ओपन हो चुकी है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको पहले कंट्रोल प्रेस करके आई करेंगे। ये देखिए इस शेप में आ जाएगी, ब्लैक हो जाएगा इसका कलर। अब इसको डबल क्लिक करके अनलॉक करा लेते हैं। अनलॉक करवाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको जो है कंट्रोल जे करके इसकी डुप्लीकेट बना लेते हैं। ऐसे कॉपी बन गई इसकी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट लेंगे। टेक्स्ट लेके यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ से कलर जो है अपना जो है इसका चेंज कर लें। अब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ग्राफिक्स। तो ये ग्राफिक लिख लिया, इसको ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ से इसका साइज जो हम बढ़ा सकते हैं मजीद। अब इसको एंटर किया, ये देखें ये तकरीबन काफ़ी बड़ा हो गया, इसका साइज बढ़ा लिया। इसका अब थोड़ा छोटा करना पड़ेगा साइज को, यहाँ से थोड़ा कम कर लेते हैं। एंटर किया, ये देखें। अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं दरमियान में। जब आ गया, देखिए मैंने लिखा है ग्राफिक। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक और देखें लेयर जनरेट हो चुका है, टेक्स्ट लेयर। अब हम इसको करते हैं, फिर इसकी भी कॉपी बना लेते हैं, कंट्रोल जे करते हैं। ये देखिए ये कॉपी बन गई है। अब पहली लेयर पे जो टेक्स्ट किया उस पर क्लिक किया और यहाँ से इमेज में गए, यहाँ से जाके इसको 90 डिग्री पे ऐसे रोटेट करते हैं। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम इफेक्ट देंगे। यहाँ से फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर में जाके ये देखिए स्ट्रेलाइज, यहाँ पे हम यहाँ जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे है विंड। विंड यानी एयर जैसी होती है, इसको क्लिक करेंगे। ये देखिए कह रहा है इसको रेस्टराइज करा, एयर को ओके करेंगे। अब हम यहाँ से इसकी डायरेक्शन जो है इस तरफ को करवाना चाहते हैं, उस तरफ को राइट करवाना है, लेफ्ट करवाना है। ये इसकी जो है कुछ इस शेप में आएगा। ये देखिए मैंने लेफ्ट किया, ओके किया। ये देखिए ऊपर की जानिब ये ऐसे हो चुका है। अब दोबारा ये थोड़ा कम है, इसको ज़्यादा करते हैं। यहाँ से ये देखिए कंट्रोल एफ दबा के भी आप जो है इसको वाइंड कर सकते हैं। ये देखिए ये इतना इसके लिए काफ़ी है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा हो तो फिर एक दफ़ा और आप इसको ऐसे ये देखें, बस इतना काफ़ी है। अब हम क्या करते हैं, एडिट मेन्यू में जाके फिर ये देखें इसको करते हैं 180 पे मूव करते हैं। सॉरी 180 पे नहीं, इसको करना है इसको हम 90 पे करते हैं। ये देखें ये चीज़ कुछ इस शेप में आ जाएगा हमारे पास, जैसे कि फायर होती है। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर करेंगे, इसकी भी कॉपी बना लेंगे, कंट्रोल जे करेंगे। ये कॉपी बन गई है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इस जो कॉपी है इसको फिर करेंगे, यहाँ से पहली जो ले रहा है ग्राफिक की उस पर क्लिक किया और यहाँ से गए हम फिल्टर में, यहाँ से किया लॉक्टिफाई। लॉक्टिफाई यहाँ से जो फायर की तरह ये ऊपर की तरफ निकल रहा है, इसको हम सेट करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं। ये देखें ये अभी फिलहाल आपको नज़र नहीं आ रहा, जब ये सेट हो करके आएगा फिर आपको सही तरह नज़र आएगा। ये देखें ये कुछ इस तरीके से आपने इसको करना है, ये भी सेट हो जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ओके करते हैं,
ये देखिए कुछ ऐसे इसको कर लेना है। अब हम इसको क्या करते हैं, दूसरी वाली पे जाते हैं, दूसरी लेयर पे गए, दूसरी लेयर पर जाके हम फिर इसको ऐसे करेंगे, फिल्टर में जाके लॉफ्टिफाई करेंगे। लॉफ्टिफाई करने के ये साथ ये देखें, अब इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको ऐसे थोड़ा घुमाएंगे ताकि इसकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी उलट पुलट हो जाए, ताकि ऐसे लगे जैसे कि ये फायर की तरह है। ये देखें कुछ इस शेप में इसको ऐसे टेढ़ा कर ले, और फिर इसको यहाँ से ऐसे सेट करना है आपने। ओके किया, ये देखिए ये कुछ इस शेप में आ चुकी है जैसे फायर है। अब हम क्या करेंगे, इसको कलर करने के लिए हमें जो है कलर करने की ज़रूरत है। अब हम क्या करेंगे, ये लेयर है और ये लेयर, अब इन दोनों को शिफ्ट किया और दोनों को कंट्रोल ई करके मर्ज कर लिया। मर्ज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ये देखिए इमेज में जाएंगे, इमेज में जाके ये सैचुरेशन करेंगे यहाँ से, ये देखिए अब इसको यहाँ से कलराइज कराएंगे। कलराइज करने के बाद ये देखिए इसको यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ से इसको जो है 45-50 तक रख सकते हैं हम इसको, 50 तक किया। 50 करने के बाद हम इसको ओके करते हैं। ये देखिए ये एक हमारी जो है वो लेयर तैयार हो चुकी है। अब हम फिर इसकी कंट्रोल जे करके कॉपी बनाते हैं। कॉपी बनाने के बाद ये देखिए अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले लेयर को हाइड कर देते हैं ये भाभी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दोबारा इमेज में जाएंगे, यहाँ से ये देखिए यू सैचुरेशन कंट्रोल यू भी आप कर सकते हैं, यहाँ से इसको भी कलराइज करेंगे, यहाँ से इसको 100 किया। 100 करने के बाद ये देखिए इसका कुछ इस तरह का कलर कर लेते हैं, ये देखिए थोड़ा रेड ये। अब हम क्या करते हैं, इसको भी ओके करते हैं। ओके किया, अब ये तकरीबन हमारे पास जो दो लेयर्स हैं वो देखें, ये देखें। अब हम ये जो पहली लेयर है इसको यहाँ से विजिबल करवा के यहाँ से नॉर्मल में जाएंगे, यहाँ से ओवरले करेंगे। अब दूसरी लेयर पे जाएंगे, दूसरी लेयर पे जाके भी हम ऐसे ही करेंगे, इसको भी ओवरले कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये देखिए इस लेयर को क्लिक किया टेक्स्ट वाली, और साथ में कंट्रोल प्रेस करके ये जो ब्लैक लेयर है इसको करेंगे कंट्रोल ई, इनको मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से ये देखिए कलराइज करेंगे। कलराइज करने के बाद इसको ये देखें यहाँ से इसका भी जो कलर है वो सेट कर लेते हैं, ये देखें इतना काफ़ी है। ओके किया, अब इसको हम कर लेते हैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये देखें इसका भी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इसका भी हम ऐसे ही कन्वर्ट कर लेते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। अब यहाँ से हम इसकी कॉपी भी बना सकते हैं, ऐसे कंट्रोल जे करके इसकी कॉपी और एक बना लेते हैं, ये देखिए हमारे पास की बन चुकी है। अब हम इनको हाइड करते हैं, ये देखें। अब क्या करते हैं, इसको भी हम कोई कलर दे लेते हैं, यहाँ से कोई इसका कलर करते हैं यहाँ से, ये देखें टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पहले यहाँ से, ये देखें अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, इसको जाके यहाँ से कोई कलर लेंगे, रेड करना है रेड कर सकते हैं यहाँ से, ये देखें फायर जैसा कुछ करते हैं यहाँ ऐसे बिल्कुल, इसको ओके किया, ये देखें ये कुछ इस शक्ल में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे, यार इस पर डबल क्लिक किया, यहाँ से इसको ग्रेडियंट करते हैं या
ग्रेडियंट में हम कोई कलर जो है फायर जैसा वो हम करते हैं, ये देखें ऐसे कुछ। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला है कलर वहाँ पे हम थोड़ा रेड कलर इस्तेमाल करेंगे, जो फर्स्ट वाला है ये देखें 11 कलर जो होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। ओके किया, ये देखें ये देखें, अब यहाँ से भी इसको थोड़ा इस तरफ करते हैं, ये देखें ऐसे लग रहा है जैसे आग है। यहाँ पे अगर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ वाइट कलर जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से ये देखें ये, ओके ये देखें ऐसे जैसे फायर इसमें से बढ़ रही है, उभर कर ऊपर आ रही है, ये देखें इसको ओके किया। ओके करने के बाद ये देखें कुछ इस शक्ल में आ गई है। अब इसको शेडो अगर देना चाहते हैं तो शेडो पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ से ये देखें इसका थोड़ा सा हल्का सा शेडो कर लेते हैं स्प्रेड, ये देखें। इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसका भी रेड कलर का शेडो करते हैं, ये देखें अब बहुत ही ज़बरदस्त हो गया, ये देखें कितना ज़बरदस्त है। ऐसे ही आपने अपने जो है अपने मुताबिक इसको कम ज़्यादा करके सेट करना है। ओके किया, ये देखें ऐसे लग रहा है जैसे आग निकल रही है इसमें से। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम एनिमेशन कैसे करते हैं। यहाँ से ये देखें विंडोज़ में गए, अब इनको यहाँ से एक दफ़ा विजिबल करवा लेते हैं। विंडोज़ में गए, विंडोज़ में जाने के बाद एनिमेशन पर क्लिक किया, ये देखें ये हमारे पास जो है जितने भी लेयर हैं 1 2 3 4 5 जितनी भी हैं ये सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। अब हम क्या करेंगे, ये देखें इसको हम यहाँ से कम कर लेते हैं। अब हम एनिमेशन की सेटिंग जो है खुद से करते हैं, ये देखें ये चीज़। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको मूव करके यहाँ देखें करीब ले जाते हैं, ये देखें आप अपने मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं जैसे भी आप कराना चाहें इसको, ये देखें ये चीज़। इसको हम खुद सेट करेंगे अपने अनुसार, ये मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, आप अपने अनुसार इसको सेट करना है, ये बस आपको समझाने के लिए है, ये देखें। मेरा दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।